हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। और मैं इतना लेट व्लॉग चालू कर रही हूँ, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने भजिया बनाने की तैयारी। भजिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं दो दिन पहले जो मतलब सफेद वड़ा का भजिया बनाई थी, उसका बैटर बच गया था। तो मैंने सोची कि क्यों वेस्ट किया जाए, फेंका जाए, इसको हम बनाकर खा लेते हैं। तो रोजा खुलने का भी टाइम होने वाला और मैं इतना लेट व्लॉग चालू कर रही हूँ, सीधा भजिए से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो गाइस, खत्म कर रहे हैं तो शुरू करना भी जानते हैं ना। देखो ये पीछे से कितना चिड़ा रहे मेरे को वहां से। ये भी अब भी आए हैं काम पे से, बैठे हैं अभी, हाथ मुंह धो जाके पहले, ठीक है? हाँ, तो तेल यहाँ गर्म करने रख दिया, फटाफट बनाऊंगी भजिया। और गाइस, मैं रोजा नहीं हूँ, मैं इन दिनों अभी रोजा नहीं रख रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने अभी मेरे को ज्यादा खाने पीने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने बोला, और मुझे थोड़ी ब्लड की भी कमी है। तो मैं अभी इन दिनों रोजा नहीं रह रही हूँ, पर मेरा ये सोचना है कि रोजा नहीं हूँ तो क्या अफ्तारी नहीं कर सकती? अफ्तारी तो मैं कर ही सकती हूँ। और नहीं भी रहती तो भी मैं मंगाती हूँ, थोड़ा बहुत मंगाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो मैं रोजा नहीं भी हूँ, मैं फिर भी भजिया बनाती हूँ। हाँ, रोजा नहीं रहती फिर भी मैं भजिया बनाती हूँ, फ्रूट्स मंगाती हूँ। पर मेरे पास में अभी पहले का, मैं बस ना अभी दो दिन पुराना कलिंगर रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, तो मैंने सोची ये क्यों ना बनाया जाए, है ना गैस? तो फटाफट बनाती हूँ भजिया। अभी मेरे पास पूरा आधा पौना घंटा है, तो फटाफट भजिया बनाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ, फिर रोजा खोलेंगे। और यहाँ देखो तेल भी मैंने मस्त गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो गैस चलो भजिया फटाफट बनाते हैं। यहाँ हमारी भजिया बनना गैस, मैं रख रही थी रोजा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से रोजा रखने हो रहा भी था, पर डॉक्टर ने अभी मेरे को हाली का भी टाइम दिए, 4 तारीख को बुलाइए, जैसे कि मैंने पहले के ब्लॉग में बता चुकी हूँ, बुलाइए मुझे चेकअप के लिए, और खाने पीने पे ध्यान ज्यादा सा देने बोलिए। इस वजह से मैं नहीं रख पा रही रोजा गैस। प्लीज कोई माइंड नहीं करना कि मतलब रोजा नहीं रह रही है, मैं सोची थी पहले बता दूं, फिर उसके बाद में मेरे टाइम ही नहीं मिल पाया, ब्लॉग सब आगे पीछे हो गया, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग में मैं बता दूंगी कि अभी मैं इन दिन में रोजा नहीं रह रही हूँ। इंशाल्लाह सब मैं अच्छे से मैं फ्री हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर कजा करूंगी रोजा इस बार, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ऐसे तो कहते हैं कि 1 साल के अंदर कभी भी मतलब अपना रोजा कवर कर सकते हैं हम, तो इंशाल्लाह मैं भी अपना रोजा कवर करूंगी। और आज है 1 तारीख, अप्रैल फूल बनाया, वो वाला टाइम है आज। और 3 दिन के बाद में दवा खाना भी जाना है मुझे। मेरे आतिफ को माशाल्लाह बहुत पसंद है ये वड़े की भजिया, इसलिए मैं बोली बनाती हूँ। मेरे आतिफ को बहुत पसंद है गाइस, सफेद वड़ा का भजिया और पीली मूंग की दाल की भजिया, ये सब मेरे आतिफ को बहुत अच्छा लगता है। आतिफ बेटा मेरा ना सेम माशाल्लाह मेरे ऊपर ही गया है, हर एक चीज खाना उसको पसंद है, बस उसको थोड़ा चिकन मटन ज्यादा नहीं पसंद है, उसको दाल चावल ही ज्यादातर खाता है। बट खैर वो सीख जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता है कभी कभार, उसके मूड में रहता है ना, वो चिकन विकन खाता भी है। अभी मैं उसको धीरे धीरे ना आदत करवा दूंगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरे और हम लेटे हुए हैं, मैं अभी जस्ट आया ना काम पे, तो गाइस मेरा मुंह देख सकते हो आप लोग कितना गंदा दिख रहा है ना, अब भी इसको ठीक करके आता हूँ। तो जस्ट अभी एंट्री मारा हूँ काम पे, तो थोड़ा सोचा कोई कवर अंबर सीधी कर लूँ, नहीं घसाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, थका नहीं हो जाता, लेकिन पतरा अतरा मारने पड़ता है, सीलिंग मारो पतरा मारो, हालत खराब है पिछला कुछ नहीं। अभी पतरा मारा ना तो ये ना ये ऐसी तरह से खाचे में जैसा टाकिया खाचा ना उसमें घुसा था, इसके लिए रगड़ 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 पतला है ना। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, तो हम जा रहे हैं नहाने, हम नहा धो के मिलते हैं। तो गाइस मेरे को यहाँ पे सामाना बहुत चिल्ला रही है, पता नहीं 160 में चिल्ला रही है, ले लो 160 में ले लो खला, ले लो ना, कैसा होता है इसमें
तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट थोड़ा सा हाथ पाँव धो के अफ्तारी काटता हूँ। अफ्तारी काटने के बाद में रोजा वोजा खोल के फिर नहाऊंगा आराम से एकदम सुकून एकदम। बर्तन वर्तन धो के थोड़ा बहुत जो निकला है नहीं जो भी है थोड़ा बहुत निकला धो के फिर नहाऊंगा ठीक है। तो अभी फिर नहा धो के फिर फ्रेश हो जाऊंगा। देखो अश्विन के पास कलिंगर कट कर रहे पर थोड़ा थोड़ा नरम हो गया यार। दो दिन से रखा हुआ क्या बोल रहे? दो दिन का कलिंगर है इतना सा निकल अश्विन से जान दो जहाँ जाकर अच्छा मामा का निकाल लो ज्यादा मत निकालो अश्विन मत ले ठीक है। क्या बोल रहे अश्विन के पास? दो तीन दिन हो गया ना रखते। मैं बोली ना मार्केट में केले सही नहीं आ रहे कभी कच्चे आ जा रहे कभी पक्के आ जा रहे ये भी देखो कैसा निकल रहे हैं। जाने दो ज्यादा मत काटो हाँ। क्या करेंगे और सर्वाइव क्या? नहीं नहीं मैं रात में खा लेती हूँ ना देखो देखो पूरा खराब है। अरे ओ स्टाइल मारी इतना ही खराब है तो फिर तुम इतना इतना क्यों निकाल रहे कम निकालो ना ठीक है ना। बस बस अब रहने दो मत करो। तो यहाँ गए हमारी अफ्तारी हो गई रेडी कट करके। ये देखो यहाँ रोजा खुल रहे हैं बेटा यहाँ भी रोजा खुल रहा है पानी पी चुके हैं यहाँ भी कलिंगर चल रहा है सब रोजा। अश्विन के अब्बा आगे बचे हैं बा, और मैं भी बची हूँ हाँ। तो अभी मैं बची हूँ अभी हम अजान का वेट कर रहे हैं और अजान में अभी कम से कम तीन से चार मिनट बाकी है अभी। तो आज की अफ्तारी की एक फोटो लिया जाए। हे गाइस हम वापस से आ चुके हैं माशाल्लाह हमारा अफ्तारी वगैरह सब हो चुका है। देखे हो गया हमारा अफ्तार वगैरह। आतिफ क्या खा रहा है? आतिफ तो आइसक्रीम खा रहा है कोई बात नहीं। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है मुझे डेली खाती हूँ आइसक्रीम है पर अभी अभी दो दिन से नहीं खाती दो दिन हो गया ना नहीं खाई तो सबाना नियत बांधने वाली है जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा नियत बांधती है ठीक है अभी मिला सबाना नियत बांधी है। तो गाइस कल हमने जैसे कि सोचे हैं कि हम पूरी पूरी फैमिली को अफ्तार की दावत देंगे तो मैंने सोची कि मुझे क्या बनाना है क्या करना है और थोड़ी बहुत तैयारी अभी जाकर करूंगी अभी मतलब जाने वाली हूँ। बज रहा है अभी पौने नौ हो रहा है इंशाल्लाह तो कुछ तैयारी अभी करेंगे इंशाल्लाह। तो सोच रही कुछ तैयारी अभी कर दूं क्योंकि सब अभी से ही करूँगा बहुत बीच बीच में आ रहा था तो फिर इसके बाद में मैंने सोची थोड़ी तैयारी अभी करती हूँ थोड़ी तैयारी कल करूंगी। तो अश्विन के अब मेरे से पूछ रहे हैं कि देख सबाना अफ्तारी की दावत दे रही है सबको तो सोच समझ के देख के तेरी तबीयत कैसे रहेगी। मैं बोली वही सोच रही हूँ बोला नियत करेगी नहीं तूने तो वही बोले कि सोच समझ के अफ्तारी की दावत दे और तेरे से क्या क्या हो पाएगा क्या नहीं वो हिसाब से ही सेटअप वेटअप करना। तो मैं क्या बोली नियत करती हूँ नियत करती हूँ अफ्तारी की दावत की वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा गैस की तरफ अल्लाह अकबर इंशाल्लाह जो बना पाऊंगी। ऐसे तो मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ सोचा है कि दो चार चीजें सोची है कि अपने हाथ से बनाएंगे बनाने सीधा ब्लॉक में आपको मिलेगा देखने के लिए क्या है। तो वही बोल रहे है कि तेरी तबीयत के हिसाब से करना तो फिर अश्विन के बाद तुम भी बांधो ना नियत बांधता हूँ मैं छुट्टी करने की आते पर अश्विन को संभालने की वास्ते अल्लाह के बाजार बाजार लाने की और घर को साफ सफाई रखने की मेरी जिम्मेदारी है तो इतना मेरा काम है इतना मैं काम करूंगा इंशाल्लाह बढ़ता हूँ। मैं 4 तारीख के दिन जाऊंगी दवा खाना अब वो क्या है क्या नहीं वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाने से पहले इंशाल्लाह मैं आप सबको घर वालों को अफ्तारी की दावा दूंगी। अभी मैंने किसी को भी बोला नहीं है और मेरा कोई मतलब पक्का प्लान भी नहीं है पक्का प्लान भी नहीं है कि मैं पक्का ही दूंगी कल। ये मेरे मतलब हालत के ऊपर मैं देखी क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी अभी करूंगी थोड़ी बहुत कल करूंगी फिर जैसा रहेगा इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। मेरे को अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कर लूंगी पर फिर भी कि कभी भी मेरे को कुछ भी तकलीफ होती है तो वास्ते अल्लाह के वो मेरा गैस की तरह बनना चलो भैया तो मैं जा रही हूँ गैस अभी ना अभी जा रही हूँ पूरे मसाले ले आऊंगी अदरक लहसुन मिर्ची पुदीना कोथमीर जो भी लगेगा सब लाकर रखती हूँ क्योंकि कल फिर ना टाइम नहीं मिल पाएगा लेने के लिए ना इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे तैयारी चालू हो चुकी है सबाना क्या लेने आई है यहाँ पे आए हम चिकन लेने के लिए है ना यहाँ पे चिकन लेने आए लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे से तैयारी चालू करेंगे ना
तो कल ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा है ना तुम्हारा। थोड़ा गाइस चिल्ला के बोल रहा बाहर तो आवाज नहीं आएगी, बैकग्राउंड बहुत मिल रही है। दुकान बंद हो जाती है फिर सीधा 4:30 बजे खुलती है तो बहुत मसला है। ये बटले को देखो क्या करता है। आतिफ आओ आओ जा मुग्गी पकड़ लो मुग्गी। चलो ठीक है गाइस सब मिलते हैं मसाले लेने के बाद। गाइस हमारा सब सेटअप हो चुका है कल का, इंशाल्लाह हमारा कल इंशाल्लाह होएगा अफ्तारी घर में, तो वो सब मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग। हाँ ये ब्लॉग अभी यहीं एंड होएगा। और यहाँ पे देखो नजीब फ्राई किए सबाना ने, और यहाँ पे फातिमा भी खा रही है, आतिफ और ये क्या नाम है हसनैन, हम लोग सब खाना खाने खा रहे। हाँ उसको खान दो, कैसा अच्छा लग रहा है फातिमा, खा लो मेरा बच्चा। तो ये देखो मैंने अभी ये नाखून लगवा के, भाभी 50,000 के नाखून लगवाई मैंने। मेरा आदमी इतना चिल्लाता है, बोलता है तू फालतू पैसे खर्चे करती है। मैं बोली मुझे पसंद है और ईद का टाइम है तो मैं लगवा के आई थी, क्या करूं बताओ ना भाभी क्या करूं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। और एक 10,000 का बैग देख कर आई हूँ, कल तो मैं पक्का लेकर आऊंगी। क्या 10,000 रुपए का बैग है, 10,000 का बैग बोलते तू ली तूने 10,000 का बैग, तो मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। मेरी एक सैंडल ना 20,000 की रहती है भाभी। मारा आदमी तुमको दिलाता कि नहीं दिलाता क्या? नहीं दिलाते। मैं कल गई थी मॉल, वहां मैंने पता ड्रेस देखी कितने का पता है, पूरे 2,00,000 का पूरा सूट देख कर आई हूँ, ईद में पहनूंगी वो लेकर, पूरे मोहल्ले में ना ऐसा चमकूंगी मैं। मेरा आदमी तुमको दिलाता क्या? नहीं दिलाता। मेरा आदमी तो बहुत अच्छा है, कल मुझे पूरी शॉपिंग पूरे 5,00,000 की शॉपिंग कर रही हूँ। अरे मेरे को ना क्या बोलते है, शॉपिंग कर पर ही नाखून मत लगाया कर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तो भाई ईद के लिए मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर लगवा के, कैसा लग रहा है भाभी बताओ जरा, अच्छा दिख रहा ना? अरे भाभी बोलो तो सही, कैसा दिख रहा मेरा 50,000 का नाखून? अरे भाभी बोलो ना कैसा दिख रहा है मेरा 50,000 का नाखून? अच्छा दिख रहा ना? इनको क्या पता है कि लेडीज लोग को मतलब मॉडलिंग का और इसका उसका मतलब कुछ भी नहीं है मालूम उनको। अब ये ईद में मैं लगा के घूमूंगी, ओ भाभी ईद में लगा के घूमूंगी, सब लोग मुझे ही देखेंगे ना तो। हाँ भाभी तुम क्या ले रही थी, मेरे बच्चों के लिए क्या ली तुमने? मेरे आदमी के लिए वही सस्ता 500 रुपए वाला कुर्ता दिला दूंगी, उसी में खुश रहेगा वो। बटरा बटरा बोलती है, अरे अल्लाह कैसा करते फातिमा? अभी कैमरा चालू है समझ ली, कैसा कर रही थी फातिमा? तुमने अपने आदमी के लिए क्या लिए? कुछ भी नहीं लिए, कल तो मैं अपने आदमी के लिए वो 500 वाला कुर्ता दिला दूंगी अंधेरी से, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे बच्चों लोग के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लूंगी। हाँ ओ, तुमने काजू बादाम लाए? लाए और मम्मी तो भूल गए काजू बादाम लाना, कल लाऊंगी 2-2 किलो काजू बादाम पिस्ता खोपरा सब लाऊंगी, पूरे मोहल्ले में बांटने गए ना मेरे को सेवई लेके आऊंगी कल, मेरे हाथ की सेवई मोहल्ले वाले खाएंगे ना, खाते रह जाएंगे खाते रह जाएंगे। मैं पूरे मोहल्ले में बिरयानी बांटूंगी। और हाँ देखो ये मेरा कैसा लगा। ये सब हम करते थे बचपन में, ऐसा खेलते आपने फातिमा के साथ में खेली, पर फातिमा कैमरा मैन का जवाब दे रही थी, कैमरा चालू हुआ भूस हो गई। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा 50,000 का नाखून जरूर बताना। चलो फटाफट खाना निकालो, फोटो नहीं ना मेरी चल।